और अब बड़ी खबर है, कोचिंग विद्यार्थियों में बढ़ते सुसाइड केस को लेकर सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल कोचिंग संचालकों के साथ बैठक करेंगे। शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे कोचिंग संचालकों की बैठक। नरेश शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश जी, क्योंकि हमने समय समय पर सुना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस पर चिंता व्यक्त करते हुए, और बेहद जरूरी भी है ये, लेकिन जो बैठक होने वाली है कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या इसमें निकलकर सामने आ सकता है, क्या चर्चा रहने वाली है? देखिए, आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समय समय पर इस पर अपनी चिंता जाहिर की है, और उन्होंने कहा भी है कि जो एक दबाव बनता है स्टूडेंट्स पे, कोचिंग के जो छात्र है, खासकर जो IIT या NEET की जो मेडिकल की इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन पे इस तरह का दबाव नहीं हो कि उस दबाव के चलते वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए जी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोचिंग संचालकों से चर्चा करने का फैसला किया है। कल शाम को 6:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चर्चा करेंगे जी। और साथ में इसके दो तरह के मुद्दे होंगे। एक कि माता पिता है वो भी अपने बच्चों पे ज्यादा कोई दबाव ना डाले, उनकी उनको कोई टारगेट ना दे, बल्कि जो बच्चा खुद अपना करियर क्षेत्र में बनाना चाहता है उसी में उसको बनाने दे। और दूसरा, जो कोचिंग संचालक है वो भी अपनी कोचिंग के तरीके को इस तरह बनाए और मनोवैज्ञानिक तरीके से इस तरह का बनाए ताकि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो दबाव महसूस ना करे, उनका प्रेशर ना महसूस कर सके करे और वो आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके जी। तो इसी के मद्देनजर ये पूरी जी, एक और सवाल, एक और छोटा सा जवाब इस पर चाहेंगे कि क्या कितने कोचिंग संचालकों को बुलाया गया है, क्या कुछ पर्टिकुलर कोचिंग संस्थान है जिनके संचालकों को बुलाया गया है, या फिर ये है कि जहां पर सबसे ज्यादा इस तरीके से जो घटनाएं सामने आ रही है उन कोचिंग संचालकों को बुलाया गया है? खासकर कोटा है, जयपुर है और सीकर है, यहाँ जो कोचिंग है वो सबसे ज्यादा संख्या में है, यहाँ पे कोचिंग स्टूडेंट काफी है। तो जितने भी प्रमुख कोचिंग संस्थाएं हैं जो अलग अलग जो कोचिंग कराती है विषयों पे या अलग अलग परीक्षा के लिए कोचिंग कराती है, उन प्रमुख कोचिंग संस्थाओं को मुख्यमंत्री उनके प्रतिनिधि से बात करेंगे। ठीक है नरेश जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।